वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं जवेरिया सिद्दीकी, मेरे साथ हैं ईशा तारिक और आज हम कंपैरिजन करने लगे हैं। भाई बहुत बड़ा कंपैरिजन है, सीरियसली हमने नहीं सोचा था कि हम दो प्राइम मिनिस्टर्स का कंपैरिजन करने लगेंगे। पता है हमने क्यों नहीं सोचा था? क्योंकि हमारा फाइनल नहीं हो रहा था प्राइम मिनिस्टर, तो हमें आइडिया ही नहीं था कि भाई प्राइम मिनिस्टर कौन होगा जिसके साथ हम कंपैरिजन करें। और हमने मोस्टली अगर देखा जाए तो हमने सब हर चीज का कंपैरिजन कर लिया, सिटीज का कर लिया, सेलिब्रिटीज का कर लिया, क्रिकेटर्स का कर लिया, लेकिन पीएम का ऐसे करना कंपैरिजन तो वो भी रेलवेज का किया है, हमने एयरपोर्ट्स वगैरह का किया, सिटीज का किया है, हर कंपैरिजन। अच्छा अब ये होता है कि अब जो लोग हैं, जो ऑडियंस है, वो कुछ एंजॉय करते हैं और कुछ कहते हैं भाई तुम लोग कंपैरिजन नहीं करो, तुम लोग कंपैरिजन क्यों करो, वैसे देखो। मैंने कहा नहीं, लेकिन कंपैरिजन होता है ना तो एक ज्यादा उसमें आपको होता है कि आपको दोनों चीज, दोनों तरफ की स्टोरी पता लग जाती है, क्लैरिफाई हो जाता है कि कौन आगे है, कौन कहाँ पे मेहनत कर रहा है और कौन नहीं कर रहा। तो ऐसा सही सही बात है। मैंने भी काफी कमेंट्स पढ़े हैं, लोग ऐसे भी कह रहे होते हैं कि इंडिया के साथ आप लोग कंपैरिजन मत किया करो, ऐसा वो कुछ लोग होते हैं। लेकिन हम बांग्लादेश के साथ भी कंपैरिजन कर रहे होते हैं। इवन हमने वीडियो देखी थी, इंडिया और बांग्लादेश का कंपैरिजन था, इंडिया और जापान का, इंडिया और दुबई का भी देखा था हमने। यूएई तो भाई यूएई का तो बिल्कुल मैं कहती हूँ लेवल हो चुका है अब, यूएई ने तो हर यानी कि हर बाजी उन्होंने। लेकिन हमने जवेरिया देखा था दुबई, मतलब यूएई या दुबई का देखा था कि शायद मुंबई या मैन्युअल फैसल ने, तो उसमें मुंबई आगे था। अच्छा दुबई से कोई, हाँ ऐसा था, मतलब एक सेक्टर में होता है ना कि काफी इंडस्ट्रियल सेक्टर जैसे, तो एक सेक्टर में मुंबई आगे था। तो मैं बहुत तब भी बहुत पाकिस्तानी का ये होता है कि भाई किसी तरह दुबई पहुंच जाओ, दुबई पहुंच जाओ, क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा है और इजीली जा भी पाते हैं। ऐसा है कि पाकिस्तानी और इंडियंस इजीली अगर कहीं जा सकते हैं तो वो दुबई है, कम बजट में इजीली जा सकते हैं, रहता है। और दुबई हमारे लिए तो भाई इस तरह से है कि पता नहीं कहाँ, यूरोप है, यूरोप है, वाकई दुबई सही बात है। तो आज हम दो प्राइम मिनिस्टर्स के लाइफस्टाइल का कंपैरिजन करने लगे हैं इसमें। अच्छा 2023 का कंपैरिजन है ये, इसमें फैमिली क्या है, एज क्या है, बायोग्राफी क्या है और हर चीज इसमें बता, उनका अपार्टमेंट वगैरह हर चीज, उनकी लाइफ। अच्छा मुझे ये बहुत है कि मोदी कहाँ पे रहते हैं, कौन सी गाड़ी यूज करते हैं, है ना, घर कैसा है, क्यूरियोसिटी होती है। लेकिन ये मुझे आज तक वीडियो नहीं मिली इनकी, तो ये इनकी पीआर टीम बहुत स्ट्रांग है, वो निकलने नहीं देती बातें। तो अब स्टार्ट करते हैं कि भाई क्या है आखिर पीएम मोदी और नरेंद्र मोदी के लाइफस्टाइल में डिफरेंस। लेट्स गो। हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लाइफस्टाइल एंड बायोग्राफी के बारे में और जानेंगे इनसे जुड़ी कुछ ऐसी बातों को जिनको शायद आप नहीं जानते हों। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखना, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। तो इनका फुल नेम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी और निक नेम है नमो, और प्रोफेशन से पॉलिटिशियन हैं और इनकी पॉलिटिकल पार्टी है भारतीय जनता पार्टी बीजेपी। इनका जन्म 17 सितंबर 1950 को बैतनगर गुजरात इंडिया है। अब इनकी फिजिकल स्टेटस के बारे में देख लेते हैं। तो इनकी हाइट लगभग 5 फुट 7 इंचेज है और ये नेशनलिटी से इंडियन हैं और रिलीजन से हिंदू हैं। इनके एजुकेशन के बारे में देख लेते हैं। तो इन्होंने अपने स्कूल की पढ़ाई हायर सेकेंडरी स्कूल बैतनगर गुजरात से की और साथ ही अपने कॉलेज की पढ़ाई गुजरात यूनिवर्सिटी अहमदाबाद से की और बाद में ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली न्यू दिल्ली भी गए अपने आगे की पढ़ाई के लिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में इन्होंने एमए की हुई है पॉलिटिकल साइंस से। अब इनके पॉलिटिकल करियर के बारे में देख लेते हैं। तो मोदी जी ने अपने करियर की शुरुआत 1975 में गुजरात लोक संघर्ष समिति में महासचिव के रूप में की थी, जो कि एक आरएसएस समिति भी थी, और 1979 में वे दिल्ली में आरएसएस के लिए काम करने गए, जहां उन्हें आरएसएस के संस्करण पर शोध करने और लिखने का काम सौंपा गया। 1985 में आरएसएस द्वारा भाजपा को सौंप दिया गया। 1987 में मोदी जी ने अहमदाबाद नगर पालिका चुनाव में भाजपा के अभियान को व्यवस्थित करने में मदद की, जिसे भाजपा ने आसानी से जीत हासिल की। इसी के चलते ही नरेंद्र मोदी जी को 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के सीएम पद के लिए शपथ ली, जिसमें ये 22 मई 2014 तक सीएम पद पर रहे। और हम आपको बता दें साल 2014 में लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी की भारी मतों से विजयी हुई, जहां इन्होंने वाराणसी से एमपी का चुनाव लड़ा और ये लगभग 3,70,000 वोटों से विजयी प्राप्त की। वहीं एमपी के साथ साथ ये भारत के प्रधानमंत्री भी बने 14वें, और साल 2019 में भी ये 4,80,000 वोटों से जीत हासिल करके भारत के 15वें प्रधानमंत्री बन चुके हैं। तो हमको कमेंट करके बताना कि ये आपको कैसे लगते हैं। और अब इनकी फैमिली से मिल लेते हैं। तो इनके फादर का नाम लेट दामोदर दास मूलचंद मोदी है, जिनकी डेथ 1985 में हुई थी। इनकी मदर का नाम लेट हीराबेन मोदी है, जिनकी डेथ 30 दिसंबर 2022 को हुई है। और इनके 4 ब्रदर और एक सिस्टर भी हैं। इनके फर्स्ट ब्रदर का नाम सोमा, जो कि 78 ईयर के हैं, और इनके सेकंड ब्रदर का नाम अमृत मोदी है, जो कि 75 ईयर के हैं, और इनके थर्ड ब्रदर का नाम प्रहलाद मोदी, जो कि 65 ईयर के हैं, और इनके फोर्थ ब्रदर का नाम पंकज, जो कि 60 साल के हैं। इनकी सिस्टर का नाम बसंती बहन हसमुखलाल मोदी है। मैरिटल स्टेटस देख लेते हैं। तो ये मैरिड हैं। इनकी वाइफ का नाम जसोदा बहन चिम्मन लाल मोदी है, जिनसे इनकी मैरिज 1968 में हुई थी। अब इनकी हॉबी के बारे में देख लेते हैं। तो इनको डूइंग योगा, रीडिंग काफ़ी पसंद है। अब इनके फेवरेट थिंग्स देख लेते हैं। तो इनके फेवरेट पॉलिटिशियन हैं सामय प्रसाद मुखर्जी एंड अटल बिहारी वाजपेयी। फेवरेट लीडर हैं स्वामी विवेकानंद। फेवरेट सिंगर हैं लता मंगेशकर। अब इनके हाउस के बारे में देख लेते हैं कि ये रहते कहाँ पर हैं। तो इनका अपना हाउस C1 सोमेसर टेनानमेंट रपिड अहमदाबाद गुजरात में है, जहाँ पर ये अपनी फैमिली के साथ रहते थे। अभी इनका ऑफिशियल हाउस 7 लोक कल्याण मार्ग न्यू दिल्ली में है। अब इनकी इनकम एंड सैलरी के बारे में देख लेते हैं। तो इनको लगभग 1,60,000 रुपये पर मंथ मिलते हैं एक PM के रूप में, और उसके साथ साथ इनको अदर अलाउंसेस भी मिलते हैं। अब इनकी नेटवर्क देख लेते हैं। तो इनकी टोटल नेटवर्क लगभग 2,23,00,000 रुपये है। तो ये थी नरेंद्र मोदी जी की लाइफस्टाइल वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, तो वीडियो जिसने बनाई उसने बहुत स्लो तरीके से सारा उसने बताया। हाँ। एक एक चीज के ये काफी चीजें मतलब पता भी थी। हमने इनकी बायोग्राफी पर देखी थी ना, तो उसमें काफी चीजें लाइक ये कहाँ पैदा हुए, कब गुजरात का तो फैमिली के बारे में बाद में इन्होंने अपनी तालीम जो थी वो आगे इन्होंने हासिल की। लेकिन ये नहीं पता था कि इनके और भी भाई हैं। भाई इनके 5 भाई हैं, मतलब काफी बहन भी हैं एक, और इनके यानी कि मुझे लगा कि ठीक है एक आधा बहन भाई होगा, बट ये काफी सारे सिब्लिंग्स, सही फैमिली है, बड़ी फैमिली थी इनकी। और अच्छा, इनके मतलब आगे से नहीं बताया गया कि लाइक इनकी वाइफ के बारे में बताया गया, लेकिन इनके कितने बच्चे हैं इन चीजों के बारे में नहीं बताया गया। कि वो कुछ होता है ना कि ज्यादा इंटरेस्ट मुझे तो होगा कि इनके बच्चे क्या कर रहे हैं, वो किस सेक्टर्स में बता सकती है कि भाई किन सेक्टर्स में है, क्या पढ़ रहे हैं, लाइक वो भी पॉलिटिशियंस हैं या नहीं। क्योंकि हम जैसे देखते हैं ना कि वो वाली जो दूसरी पार्टी है कांग्रेस, उनके तो आगे वो चलते आ रहे हैं, पूरी फैमिली की पार्टी है। हाँ। तो वो आगे राहुल गांधी उनके फादर थे, उनके पीछे पीछे जैसे हम पाकिस्तानी जब देखते हैं पॉलिटिशियंस को, तो हम उनके बच्चों वगैरह के बारे में जानते हैं, और उनके बच्चे पॉलिटिक्स में आ जाते हैं मोस्टली। तो मुझे ये लगता है कि या तो इनके बच्चे नहीं होंगे, या अगर बच्चे होंगे तो वो फिर एजुकेशन हासिल। अच्छा, वैसे जवेरिया हमने कभी कोई वीडियो ऐसी देखी नहीं है ना, लाइक कि उनकी बेटी या बेटा कोई स्पीच में उनके साथ हो, ऐसा हमने कुछ देखा नहीं है। देख रही थी कि एक PM है जो कि रोज काम कर रहा है, जो कि पूरे मुल्क का सारा उसने उठाया हुआ है, और उसको एंड में जो है वो 1,60,000 तनख्वाह मिल रही है यार। और पाकिस्तान में मे बी 5 लाख है। हाँ, ये तो वो पाकिस्तान की उसके लिहाज से ठीक है कि जो यहाँ पर चल रहा है, लेकिन वो तो फिर अंदर खाते पता नहीं क्या क्या हो जाते हैं। लेकिन बहुत कम, मतलब 1,60,000, और अगर नेटवर्थ निकाले तो वो भी करोड़ों में जा रही है, मिलियंस में नहीं जा रही। बहुत नॉर्मल है, मतलब बिलियंस में नहीं जा रही, करोड़ों में। तो यही मैं कह रही हूँ कि बिल्कुल। लेकिन एक चीज है, प्रोटोकॉल बहुत मिलता है, प्रोटोकॉल PM है ना कि पीछे गार्ड्स की गाड़ियां हैं, आगे गार्ड्स की गाड़ियां हैं, बड़े बड़े डाले। अच्छा, मुझे लगा था कि ये दिखाएंगे कि इनका घर कैसा है, किस गाड़ी में मतलब वो करते हैं ट्रैवल, या यहाँ वहाँ जाते हैं, लाइक प्राइवेट जेट होंगे, लेकिन ऐसा नहीं, प्राइवेट जेट आई डोंट थिंक सो होंगे वो। फिर उनकी नेटवर्थ बता रही थी कि नहीं होगा। हाँ, इतना तो खैर उनके पास नहीं होगा। अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, उनका लाइफस्टाइल कैसा है, उनके कितने हमें काफी आइडिया है कि उनका भाई है, उनके उनके भाई की एक बेटी है मरियम नवाज, उनके बच्चे हैं और वो सारे पॉलिटिक्स में हैं, तो ये हमें काफी आइडिया है। लेकिन भाई जो अपनी उनकी शहबाज शरीफ की क्या यानी कि स्टोरी, उनकी वाइफ कौन, उनके उनके बच्चों का भी हमें पता है कि हमजा का हमें आइडिया है। तो लेकिन जो होता है ना कि नेटवर्थ क्या है वो नहीं आइडिया में, वो हम देखते हैं कि भाई शहबाज शरीफ का लाइफस्टाइल क्या है। स्टार्ट करते हैं दोस्तों, आज की ये वीडियो सियासत में दिलचस्पी रखने वालों के लिए बहुत ज्यादा खास और जबरदस्त होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के बारे में। आज की इस वीडियो में हम शहबाज शरीफ की मुकम्मल लाइफ स्टोरी, कार्स कलेक्शन, टोटल नेटवर्थ के साथ साथ उनकी फैमिली से भी आपको मिलवाएंगे। वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। शहबाज शरीफ 23 सितंबर 1951 को लाहौर में पैदा हुए और 2022 के हिसाब से उनकी उम्र हो चुकी है 71 साल। उनका फुल नेम है मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, लेकिन ज़्यादातर लोग उन्हें शहबाज शरीफ के नाम से ही जानते हैं। शहबाज शरीफ ने अपने स्कूल की तालीम ST एंथनी हाई स्कूल लाहौर से मुकम्मल की। अपने स्कूल की पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद शहबाज शरीफ ने गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में दाखिला ले लिया, जहाँ से उन्होंने अपने बैचलर की डिग्री मुकम्मल की। बात की जाए अगर उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है बैचलर इन आर्ट्स। मियां शहबाज शरीफ 1951 में लाहौर में पैदा हुए। शहबाज शरीफ ने अपने सियासी करियर का आगाज़ 1988 में किया, जहां वो पहली दफ़ा MPA यानी पंजाब असम्बली के मेंबर बनकर सामने आए। इसके बाद शहबाज शरीफ 1990 में भारी अक्सरियत के साथ रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए और 1993 में एक बार फिर सूबाई असम्बली की नशिस्त पर कामयाब हुए, जिसके बाद उन्हें कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बना दिया गया। इसके बाद शहबाज शरीफ तीसरी मरतबा पंजाब असम्बली के रुकन बने और सूबे के वज़ीर आला बनकर सामने आए, लेकिन 1999 में फ़ौजी बगावत के इल्ज़ाम में उन्हें सऊदी अरब जला वतन कर दिया गया और 2007 में 8 साल जला वतन के तौर पर गुजार कर वतन वापस लौटे। वतन वापसी के बाद 2008 में बकर से चौथी दफ़ा सूबाई असम्बली की नशिस्त पर कामयाब हुए और दूसरी मरतबा पंजाब के वज़ीर आला बने। 2013 में एक बार फिर रुकन असम्बली बने और तीसरी मरतबा वज़ीर आला मुंतखब हुए। 2018 में अपने बड़े भाई नवाज शरीफ की नाअहली के बाद पार्टी के सदर भी मुंतखब हुए, लेकिन 2018 में इलेक्शन में उन्हें भारी शिकस्त का सामना करना पड़ा और 2022 में इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद कामयाब होने पर मुल्क के 23वें वज़ीर-ए-आज़म बनकर सामने आए। अब आपको मिलवाते हैं शहबाज शरीफ की फैमिली से। तो उनके फादर का नाम था मियां मोहम्मद शरीफ, जो कि एक जाने माने बिजनेसमैन थे। शहबाज शरीफ की मां का नाम था शमीम अख्तर। शहबाज शरीफ की 3 बीवियां हैं। उनकी पहली बीवी का नाम था बेगम नुसरत शहबाज, जिससे उन्होंने 1973 में शादी की थी। शहबाज शरीफ की दूसरी बीवी का नाम था तैमीना दुरानी, जिससे उन्होंने 1993 में शादी की थी। शहबाज शरीफ की तीसरी बीवी का नाम था कुलसूम हाई, जिससे उन्होंने 2012 में शादी की थी। शहबाज शरीफ के 2 बेटे हैं, जिनमें पहले का नाम है सुलेमान शहबाज और दूसरे का नाम है हमजा शहबाज। शहबाज शरीफ की 3 बेटियां हैं, जिनमें एक का नाम है राबिया इमरान, जबकि दूसरी का नाम है खदीजा इमरान और तीसरी का नाम है जबेरिया शहबाज। अब बात कर लेते हैं शहबाज शरीफ के हाउस के बारे में कि आखिर वो रहते कहाँ हैं। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म होने की हैसियत से PM हाउस में रहते हैं, लेकिन उनका अपना घर जाती उमरा लाहौर में है, जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं शहबाज शरीफ की कार्स कलेक्शन के बारे में। क्योंकि शहबाज शरीफ इस वक्त मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म हैं, तो उनके पास दुनिया की तमाम तर लग्जरी गाड़ियां मौजूद हैं। अब बात कर लेते हैं शहबाज शरीफ की इनकम के बारे में। तो शहबाज शरीफ एक जाने माने सियासतदान होने के साथ साथ पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में बहुत सी फैक्ट्रीज के मालिक हैं, जिनसे उनको माहाना अरबों रुपए आमदन होती है। बात की जाए अगर उनकी टोटल नेटवर्थ की, तो 2022 के हिसाब से शहबाज शरीफ की टोटल नेटवर्थ है $1.8 बिलियन, जो कि पाकिस्तानी रुपीस में अरबों रुपए बनते हैं। ओके, मतलब इतना बड़ा डिफरेंस है, बहुत ह्यूज डिफरेंस आया है। देखिए लाइफस्टाइल, मतलब ऑन द अदर एंड पीएम मोदी का ऐसा कोई लाइफस्टाइल नहीं दिखाया गया, उनका हाउस, उनकी गाड़ी। गुजरात में जो घर था वो भी बहुत नॉर्मल सा था, इतना बड़ा नहीं था। हाँ ठीक है, वो काफी यानी कि फैला हुआ था बट इतना ज्यादा लग्जरियस नहीं था। लेकिन ये एक डिफरेंस है कि पीएम मोदी जो थे, जब उनकी बायोग्राफी देखी तो वो एक नॉर्मल लाइक वो बहुत मिडिल क्लास थे। ऑन द अदर एंड शहबाज शरीफ के वालिद वो शुरू से बिजनेसमैन है और उनकी काफी फैक्ट्रीज हैं, शुगर मिल्स वगैरह, स्टील मिल वगैरह। बाहर भी काफी ज्यादा उनकी जो है वो उन्होंने इन्वेस्ट किया, वो स्टार्ट से रिच है। हाँ वो आई थिंक वो बिजनेसमैन थे तो। लेकिन उनका घर जो था, वो जो शेर खड़े हुए थे आगे, पूरे स्टैचूज वगैरह थे और इतनी गाड़ियों का कलेक्शन था। यार इतना ज्यादा तो मतलब मुल्क का कर्जा उतर जाएगा। ये चीज नोटिस की कि मतलब शहबाज शरीफ की 3 बीवी है, मुझे ये बात बिल्कुल नहीं थी पता। मतलब इतना शौकीन, और मुझे ज्यादा हमजा शहबाज शरीफ का पता था, उनकी 3 बेटियां और एक सलमान। उनकी बेटियां भी बड़ी प्यारी प्यारी है और शादीशुदा है सब। मैरिड पता नहीं, मुझे एक बेटी का लग रहा था जैसे वो एक तो उनकी थी ना मरियम नवाज के बेटे की शादी थी, लेकिन उनकी बेटी का जिक्र किया तो वो आ गई, तो मुझे था कि पता नहीं, आई डोंट नो कि ये इनकी पिक्चर्स का हो सकता है। मुझे लगा या तो मसला होगा या मे बी भाइयों ने आपस में कुछ किया हो, आई डोंट नो क्या सीन है। तो लेकिन उनकी बेटी अच्छी है और बेटे मुझे पता था, सुलेमान का भी मुझे पता था और हमजा का भी। वो पॉलिटिक्स में नहीं है, वो नहीं है, हमजा पॉलिटिक्स में है। लेकिन भाई मुझे जब वो शादी थी ना मरियम नवाज की बेटी की, वो इतना बंदा यानी कि सही था ना, वो पॉलिटिक्स में नहीं है लेकिन हमें पता था ये आ जाए पॉलिटिक्स में, ये आ जाए पॉलिटिक्स में, क्योंकि वो बंदा बहुत सेंसिबल लग रहा होता था। और वो तो, मतलब उसका कभी भी ऐसे हमने स्पीचेस वगैरह सुनी नहीं है, या वो कभी कैमरा के सामने आया नहीं और कुछ बोला तो नहीं। वो अगर आए तो मे भी, क्योंकि वो बड़ा अच्छा मुझे लगा कि ये है। हाँ वैसे एक बात है, लाइक लोगों को लोग कहते हैं कि इमरान खान हैंडसम है, और वो हैंडसम है नो डाउट, लेकिन मुझे शहबाज शरीफ भी हैंडसम है। शहबाज शरीफ भी गुड लुकिंग है, और वो जब मतलब दूसरी कंट्रीज में जाता है, खुद को दिखाता है, मुझे वो अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है वो उसको रिप्रेजेंट करना आता है, लेकिन उसकी थोड़ी सी आई थिंक वो उतना ज्यादा फ्लुएंट नहीं है। मतलब पढ़ा लिखा है, ऑब्वियसली एजुकेटेड है, लेकिन उस तरह का उसका ऑरा नहीं है, उस तरह का ऑरा नहीं जिस तरह का होता है ना। जैसे आप इमैनुअल मैक्रोन को देखोगे या आप मेलोनी को देखोगे या आप इमरान खान को देखोगे, तो वो वाला तरह से नहीं है, लेकिन वो हैंडसम है, हैंडसम है। और दूसरा मुझे नवाज शरीफ बिल्कुल हैंडसम नहीं लगता, लेकिन मैं ये थोड़ा ठीक हूँ कि शहबाज शरीफ है वो सही है, लेकिन ह्यूज डिफरेंस है भाई, बहुत ज्यादा ह्यूज डिफरेंस है। और वो जो बता रहे थे नेटवर्थ उनकी, तो आई थिंक पता नहीं वो कितनी करोड़ थी, इतने ज्यादा नहीं थे, लेकिन इनकी जो है इनकी तो अरबों में, कहते कि अगर आप इसको ट्रांसफर करो तो अरबों में चली जाएगी। तो फिर आप देख ही सकते हो कि कितना ह्यूज डिफरेंस है। आप बताएं कि आपको वीडियोस कैसी लगी हैं, आपको क्या डिफरेंस नजर आया है। लाइक करें, शेयर करें और देखते रहें, टेक केयर।